कुत्ते, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। आपने कबीर को घर से बाहर क्यों निकाला? आप जानती हैं मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। तुम भी तो जानती हो, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया रानी, वो लोग बुरे हैं, उनसे प्यार मत करना, तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। हर बार मैंने आपका साथ दिया, दी हमेशा आपकी हेल्प की, पर आपने क्या किया? आपने मेरे इमोशंस का मजाक उड़ा लिया है। दी मेरी बात सुन, यू आपने मेरा इस्तेमाल किया है। क्या बोल रही? सुन रानी, रानी मेरी बात सुन। दूर रहिए मुझसे, आपका और मेरा कोई रास्ता नहीं, मैं मार दूंगी आपको। मेरी बात सुन, अम्मा इसे समझाइए कि पागल हो गई है, तुझे क्या हुआ है? इसे अपनी बहन से कोई लेना देना नहीं है, तुझे क्या हो गया? तू क्यों ऐसे कर रही है? रूठ रही है मुझसे? बेटा मेरी बात सुन, मार दूंगी दी, मैं मार दूंगी आपको। ये क्या बोल रही है तुम, क्या कर क्या रही है? अम्मा बीच में मत आइए। ठीक है अम्मा, बीच में मत आइए। मारेगी ना तू अपनी बहन को? चल मार। प्लीज शांत हो जा, तू तो मेरी गुड़िया है ना। अम्मा इनको कह दो मुझे इनके साथ एक पल नहीं रहना। अम्मा मुझे आपके घर रहना है। क्या कैसी बातें कर रही है? रानी मेरी बात सुन, रानी सुन, रानी तू पागल हो गई है बेटा, प्लीज मेरी बात सुन गुड़िया, रुक जा रानी। पूजा अम्मा वो चली है, अम्मा उसे रोको ना। संभाल खुद को, मुझे इसी बात का डर था, बदले की आग कभी कभी खुद को भी जला देती है। बेटा ये बदला शैतान की तरह है, जिसकी प्यास कभी नहीं बुझती, किसी को नहीं छोड़ता ये, ना उसे जिसे बदला लिया जा रहा हो, ना उसको जो बदला ले रहा हो। ठीक कह रही है आप शायद, इसमें उसका नुकसान है, फिर इतना कुछ करने के बाद भी उसे लगता है मुझे उसकी इच्छाओं की परवाह नहीं, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि जान भी नहीं है सब। बाबूजी आपको कमरे में ले चलूं, आप आराम कर लीजिए। अब आराम नहीं कर पाऊंगा मैं, सुना है कि कर्म के फल इसी जन्म में चुकाने पड़ते हैं, सो चुकाता रहूंगा अपने कर्मों के फल और अपने बेटे के कर्मों के फल। अपने किए कब भुगत रहे हैं हम, और एक चोट जिसका दर्द हमसे सहा नहीं जा रहा। हमारी अपनी जानवी सर्वगुण संपन्न बहू, एक भ्रम निकली, कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारा नाम इस सबसे क्लियर हो गया है, इनफैक्ट तुम्हारी वजह से ही सच बाहर आ पाया आज। पर अब तुम लोग क्या करोगे कबीर, क्या होगा सबका?
पता नहीं कहाँ है। बस एक बात कंफर्म्ड है कि कल सुबह सुबह हम कानून के पास जाएंगे और डैड से उनका गुनाह कबूल करवाएंगे। उसके बाद किस रास्ते जाना है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा काव्या। खैर मैं तुमसे और आरुत से जल्द आके मिलता हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखना, अब सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। या राघव अंकल, कल डैड कानून के सामने अपना स्टेटमेंट देंगे और अपना गुनाह कबूल करेंगे। दूर रहिए मुझसे, आपका और मेरा कोई वास्ता नहीं, मैं मार दूंगी आपको। अम्मा, इनको कह दो मुझे इनके साथ एक पल नहीं रहना। पीके, तू कल सब कुछ सच सच कबूल करने वाला है? कर पाएगा अपने साथ ये? मैं अपने साथ क्या करने वाला हूं, बाद की बात है। फिलहाल एक ही चेहरा मेरे आंखों के सामने घूम रहा है, जानवी का। मैं उसे खत्म करना चाहता हूं। अगर तुझे मेरी मदद करनी होगी। नहीं यार पीके, इस बार मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। देख, मैं भी ये सब भूल चुका हूं और मैंने ग्वालियर के लिए अर्जी डाली है। मेरा ट्रांसफर आ भी गया है, मैं ग्वालियर जा रहा हूं। तू भी सब भुला दे, ये गुस्सा वुस्सा होश की दवा कर पी के और जानवी को भूल जाए। तुम्हारा सुबह का बुरा सपना हूं, सच होकर रहूंगा। देखो फिर आ गया मैं। सच कहा था तुमने, तुम्हारा बदलाव तक पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है। घायल शेर और अधूरा बदला कभी नहीं छोड़ते। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।